उनको हमने फेल नहीं किया है, फेल वालों को भी हमने मिनिमम मार्क्स दिया है सर। ये 12वीं का है सर, आप मदद कर दीजिए। आगे तो आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं के परिणाम ऑनलाइन घोषित कर दिए गए हैं। आपको बता दें कि 2-3 दिन पहले से ये अटकलें जारी थी कि जल्द ही 10वीं और 12वीं के परिणाम घोषित हो सकते हैं, और काफी समय से बच्चों को इसका इंतजार भी था और आखिरकार वो इंतजार खत्म हो गया और 10वीं और 12वीं के ऑनलाइन परिणाम घोषित कर दिए गए हैं और सभी छात्र अपने 10वीं और 12वीं का रिजल्ट ऑनलाइन जाकर चेक कर सकते हैं। और माशिम ने ये रिजल्ट घोषित किया है और पहली बार ऑनलाइन रिजल्ट घोषित किया गया है। 2 लाख से ज्यादा 12वीं के बच्चों का रिजल्ट घोषित किया गया है, तो वहीं 10वीं के जो परिणाम घोषित हुए हैं उसमें 3 लाख से बच्चे इसमें शामिल हैं। तो छत्तीसगढ़ बोर्ड आज 10वीं और 12वीं के रिजल्ट घोषित करने की लगातार चर्चा चल रही थी और आखिरकार वो समय आ गया है और परिणामों की घोषणा के साथ ही परीक्षा दे चुके लाखों छात्रों के इंतजार की घड़ी अब खत्म हो गई है। बोर्ड ने बताया था कि 23 जून को सीजी बीएससी 10वीं और 12वीं के रिजल्ट की घोषणा करेगा और शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह आज सुबह करीब 11 बजे परिणामों की घोषणा करने पहुंचे, जहां उन्होंने परिणाम घोषित कर दिए हैं। और 2 दिन पहले भी ये अटकलें चल रही थी कि 10वीं और 12वीं का रिजल्ट घोषित हो सकता है, और अगर पिछले साल की बात की जाए तो 10वीं के मुकाबले 12वीं का रिजल्ट इससे पहले काफी अच्छा देखा गया था। इस बार दोनों ही कक्षाओं के रिजल्ट साथ में घोषित किए गए हैं और इसी प्रकार इस बार की एक साथ इसकी घोषणा की गई है। इस बार बोर्ड ने कुछ बदलाव भी किया है और इस बदलाव के मुताबिक छात्रों को अधिकतम 20 अंक बोनस के तौर पर दिए जाएंगे खेलकूद में भी। और इसी के साथ आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में 10वीं की परीक्षा 3 मार्च से शुरू हुई थी, लेकिन लॉकडाउन के कारण बोर्ड को परीक्षा रद्द करना पड़ा था। बचे हुए पेपर्स में इंटरनल असेसमेंट के आधार पर बच्चों के अंक दिए गए हैं और 2019 में यहाँ 10वीं और 12वीं की परीक्षा में करीब 6 लाख छात्र छात्राओं ने भाग लिया था। इसमें से 5.4 लाख बच्चे सफल हुए थे और शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम ने आज रिजल्ट की घोषणा की है और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ऑनलाइन जारी किया गया है और वेबसाइट पर जाकर भी इसे चेक किया जा सकता है। बहरहाल जिस घड़ी का 10वीं और 12वीं के बच्चों को इंतजार था, आखिर वो घड़ी आ गई है और छत्तीसगढ़ में 10वीं और 12वीं के परीक्षा का परिणाम घोषित हो गया है। अगर पिछले साल की बात की जाए तो 10वीं से 12वीं का रिजल्ट काफी हद तक बेहतर देखा जा रहा था और रिजल्ट आ चुका है और अब कुछ ही देर में साफ हो जाएगा कि कितने बच्चों को इसमें सफलता मिली है। वहीं 10वीं की परीक्षाएं देने वाले बच्चों की संख्या 3 लाख से ज्यादा है, तो वहीं 2 लाख से कहीं ज्यादा बच्चों ने इस बार छत्तीसगढ़ में 12वीं की परीक्षाएं दी हैं। और ये सीधी तस्वीरें आपको रायपुर से दिखा रहे हैं, जहां 10वीं और 12वीं के परीक्षा का परिणाम घोषित किया जा रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं और 10वीं के 3,87,000 छात्रों ने परीक्षा दी थी
कि इनका परिणाम आज घोषित हुआ है। बच्चे ऑनलाइन वेबसाइट के माध्यम से भी परीक्षा का परिणाम देख सकते हैं और बोनस के तौर पर भी 20 अंक इसमें दिए गए हैं। और कोरोना के चलते काफी हद तक इसमें छूट भी दी गई है और अटकलें कई दिन से जारी थी, पर लॉकडाउन के चलते इस बार 10वीं और 12वीं की परीक्षा परिणाम में काफी हद तक देरी देखी गई। और बीच बीच में ये खबर भी सामने आई कि आज ही 10वीं और 12वीं का रिजल्ट घोषित हो सकता है, पर बच्चों को सिर्फ निराशा ही हाथ लगी। पर आज 10वीं और 12वीं का आखिरकार परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। 79 बालक तथा 206,682 बालिकाएं सम्मिलित हैं, इसमें 384,599 परीक्षार्थियों के परीक्षा परिणाम घोषित किए गए हैं। घोषित परीक्षा परिणाम में से उत्तीर्ण परीक्षार्थियों की कुल संख्या 283,157 है, अर्थात 73.62% परीक्षा उत्तीर्ण हुए हैं। उत्तीर्ण बालिकाओं का प्रतिशत 73.21 और बालकों का 70.53% है। सम्मिलित परीक्षार्थियों में प्रथम श्रेणी के उत्तीर्ण परीक्षार्थियों की संख्या 126,384 लगभग 32.86% है और द्वितीय श्रेणी में परीक्षार्थियों की संख्या 142,983 लगभग 35% इसकी संख्या है। गत वर्ष हाईस्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा की मुख्य परीक्षा में कुल 384,664 परीक्षार्थियों परीक्षा में सम्मिलित हुए थे, जिनमें से 189,705 बालक और 204,959 बालिकाओं सम्मिलित हुई थी। सम्मिलित परीक्षाओं परीक्षार्थियों में उत्तीर्ण का प्रतिशत 68.20 था। इस प्रकार गत वर्ष इस परीक्षा परिणाम में लगभग 5.42% की वृद्धि हुई है। हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा 2020 में कुल 277,563 परीक्षार्थी सम्मिलित हुए, उनमें से 275,736 परीक्षार्थी परीक्षा में सम्मिलित हुए, उनमें 129,315 बालक और 146,221 बालिकाएं सम्मिलित हुई, जिनमें 275,495 परीक्षार्थी परीक्षा परिणाम घोषित किए गए हैं। घोषित परीक्षा परिणाम में से उत्तीर्ण परीक्षार्थियों की कुल संख्या 216,526 है, अर्थात कुल 78.59% परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए हैं। उत्तीर्ण बालिकाओं की प्रतिशत 82.00 और बालकों का प्रतिशत 74.70 है। सम्मिलित परीक्षार्थियों की प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण परीक्षार्थियों की संख्या 72,385 लगभग 26.27% है और द्वितीय श्रेणी में परीक्षार्थी जो उत्तीर्ण हुए हैं 134,631 ये 48.87% है। सर सिंपल 10वीं का प्रतिशत किस तरह 12वीं का प्रतिशत हाँ 12वीं का 10वीं का प्रतिशत जो है वो 73.62 और ये इसका गत वर्ष था 60 हाँ ये मतलब इसमें वृद्धि हुई ना ये जो लास्ट जो पिछले साल था वो 68.20 था जो इस साल 5.42% की वृद्धि हुई और 12वीं में इस साल 78.59% का रिजल्ट इसमें आया जो हाँ जो लास्ट ईयर की अपेक्षा में 0.16 की वृद्धि हुई। किसका इस साल कितना बढ़ा 12वीं का? 12वीं का 0.16 पिछले साल कितना था 12वीं का? 78.43 सर पास होने वाले में लड़कियों का परसेंट ज्यादा है? पास होने वाले में लड़कियों का संख्या ज्यादा प्रतिशत है। 12वीं में जो बालिकाएं जो पास हुई हैं वो 76.28 और बालकों का है 70.53
53 ये बारहवीं का है, टॉपर भी लड़के टॉपर भी बताते हैं ना, और बारहवीं का बालिकाओं का है 82.02%, और बालकों का है 74.70%। बारहवीं का बालिकाएं बहुत आगे हैं बालकों से। रायपुर में आप रायपुर का रायपुर में श्रिया अग्रवाल ये पहले पूरे टॉपर प्रिंस का मेरिट है ना, टीकेश वैष्णो ये मुंगेली का है, दूसरे नंबर में है सिया अग्रवाल, इसका 97.80%, और श्रिया अग्रवाल देश बंधु स्कूल रायपुर ये 97.97%। टिकेट का 97.80%। बाकी आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तांडू यादव ये गवर्नमेंट हाई स्कूल उसलापुर, तांडू टी है TANU तनु होगा सर, तनु यादव, इसका परसेंटेज है 96.60%। तनु है TANU लड़का है लड़की है, ये सिंगल देखो ना, फोटो देखो ना, लड़की हाँ लड़की है ना, तो तनु तनु एक लड़का तो क्यों नहीं, अब टेंथ के तीन बता दो, ये तीन में एक लड़का है और वो लड़की टॉपर लड़का, अच्छा दिखा दो फोटो खींच लेते हैं, टेंथ का ये प्रयाग कश्यप, प्रयाग कश्यप नहीं क्या, प्रयाग प्रज्ञा कश्यप आते हैं इसका 100% 600 मुंगेली हाँ ये 100% ना, दूसरा क्या नाम है, प्रशंसा राजपूत ये बेमित्रा की, ये 99.33% 99.33 ये, और तीसरी है भारती यादव बालोद, भारती यादव बालोद 98.67, ये तीनों लड़कियां हैं टॉपर, बताइए आप पहले, अभी फोटो कॉपी दे दो बेमित्रा 99.33 हाँ, लिस्ट आपको वहाँ दे रहे हैं, हमारे पास यहाँ एक है बाहर सबको दे रहे हैं, ठीक है फोटो कॉपी दे रहे हैं, सर आप सब बच्चों को बधाई तो दीजिए, पास होने वाले बच्चों को बधाई दे दें सर।
सबको बधाई दे रहे हैं बच्चे के पास, धन्यवाद मंडल सफल परीक्षार्थियों को। अभी जो घोषित किए हैं परीक्षा परीक्षार्थियों के आयोजन एवं परीक्षा परिणाम घोषित करने में मंडल के अधिकारियों कर्मचारियों का अमूल्य सहयोग रहा है, इसके लिए मंडल के सभी अधिकारी कर्मचारी बधाई के पात्र हैं। मंडल सफल परीक्षार्थियों की बधाई और शुभकामनाएं देता हूं तथा उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। असफलता की सफलता की कुंजी है, इसे मध्य नजर रखते हुए जो परीक्षार्थी असफल हो गए हैं वे निराश न हो, पुनः अच्छी पढ़ाई करके परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए सफल प्रयास करें। सभी जो मरीज में आए हैं सभी पास हुए हैं, उन सभी बच्चों को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। ठीक है बाकी तो, और अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछ। हाँ और किसी को कुछ पूछना है अन्यथा तो समाप्त कर। मंडल की आज मुख्य परीक्षा 2020 के परीक्षा परिणाम माननीय मंत्री जी के द्वारा घोषित किए गए। परीक्षा परिणाम घोषणा के समय उपस्थित मंडल सदस्य मीडिया के सभी पत्रकार बंधु मंडल के सभी अधिकारी कर्मचारी सभी को मंडल की तरफ से मैं धन्यवाद देता हूं। सबसे अधिक माननीय मंत्री जी को धन्यवाद प्रेषित करता हूं कि उन्होंने व्यस्ततम समय में से समय निकाल करके आज हमारे मंडल के पक्ष पर आने की घोषणा की। ऑनलाइन आप प्रेस वाला कुछ पूछना चाहें तो सर से पूछ सकते हो गया ना, मेरे को मेरे को वाटर करना चापट की शक्ति सूची जो है जो यूजर ग्रुप में जुड़े हुए उसको व्हाट्सएप कर दिया गया, सबको व्हाट्सएप कर दिया, व्हाट्सएप हो गया जो फोन चाहिए व्हाट्सएप कर दिया। वो तो भेजते हैं ग्रुप में, बाइक लेना है आइए नेता चुका है और जिन्होंने मेहनत किया है अच्छी पढ़ाई की है अच्छे ढंग से पढ़ाई की है उन्होंने टॉप किया है और सबके पास भी हुए हैं सभी को मेरे सबसे बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं और आगे पढ़ाई करें। अच्छा ये बालिकाओं के परसेंटेज इस बार ज्यादा रहा है, दसवीं की परीक्षा की अगर बात करेंगे तो कितने परसेंटेज ज्यादा रहा है इस बार? नहीं बालिकाओं का जो परसेंटेज है दसवीं में 5.5% की वृद्धि हुई। लेकिन जिस तरह से रायपुर को कहा जाता है सिटी है उसके बावजूद मतलब वहाँ के बच्चे आगे नहीं रहे, लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ के बच्चे आगे रहे, इस पर क्या कहना चाहेंगे? जो पढ़ाई करते हैं तो आगे रहेंगे। हेलो सर, जो अच्छा अच्छा पढ़ाई करते हैं बिल्कुल मेरे पीछे परिणाम दिख रहा है उनको। लेकिन अगर तरह से जो रिजल्ट के परिणाम आए दसवीं बारहवीं के इस समय जो है परसेंटेज जो हमको जो एक्स्ट्रा जो नंबर मिले उससे सर्वाधिक 100% भी किसी बच्चे ने पाया है, 100 में हंड्रेड बिल्कुल कई विद्यार्थी जो टॉपर किए हैं वो 100 में से 100 उनका नंबर आया है। आपका प्रज्ञा कश्यप मुंगेली की है जो पूरे के पढ़ने।
मतलब जो बच्चे आगे नहीं बढ़ पाए उनके लिए क्या, जो कई भी ऐसे बच्चे हैं जो आगे नहीं बढ़ पाए। तो देखिए दसवीं बारहवीं के जो परीक्षा के नतीजे जारी हो गए हैं और पहली बार ऐसा हुआ है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नतीजे जारी हुए हैं। नतीजों का अगर हम देखा जाए तो पहले से काफी बेहतर हुए हैं। अच्छे अच्छे काम हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात की गई है, उनसे नतीजे जारी हुए हैं। नहीं, अभी के जो जो जारी किए गए हैं उसमें सभी विद्यार्थियों को जो पास हुए हैं, जो अच्छे नंबर पास हुए हैं, उनको बहुत बहुत उनको बधाई, उनकी शुभकामनाएं। जो नहीं हो पा है उनकी भी शुभकामनाएं हैं कि वो लोग अच्छे मेहनत करें, अच्छे मेहनत करें, वो साफ नहीं है। मुंगेली की जो पालिका है वो 100 में 100% नंबर लाई है। अगर अच्छा मेहनत करेंगे तो अच्छे नंबर होंगे। नहीं, हम सभी ग्रुप में मिले ग्रुप में समझ में भेज दिए हैं। हाँ, सभी मिले ग्रुप में हम लोग भेज दिया है। प्रज्ञा कश्यप जो है वो ये हमारे पास जो है टाइम टॉप स्टूडेंट की लिस्ट है और मुंगेली के लिए प्रज्ञा कश्यप है। हाँ, मुंगेली के प्रज्ञा कश्यप है, दसवीं है और प्रशंसा राजपूत है। भारती यादव है, नितिन राव है, और ममता सिंह बालोद। लाइक जोड़ दो मेरे को, लाइक मंत्री जी है मेरे, तो लाइक जोड़ दो। घर पे बैठ के देखना चाह रहे हैं, जान रहे हैं लगा। तो छत्तीसगढ़ बोर्ड ने दसवीं और बारहवीं का रिजल्ट घोषित कर दिया है और इस बार भी दसवीं के मुकाबले बारहवीं के छात्रों ने बाजी मारी। आपको बता दें कि इससे पहले भी दसवीं के मुकाबले बारहवीं के छात्रों का रिजल्ट काफी हद तक देखा गया था और इस बार 20 अंक बोनस के भी दिए गए हैं, जिसके चलते इस बार रिजल्ट काफी अच्छा देखा जा रहा है और दसवीं में 73.62% छात्र पास हुए हैं। तो वहीं बारहवीं की अगर बात की जाए तो 70.59% छात्र पास हुए हैं। बारहवीं में मुंगेली के टीकेश वैष्णव ने टॉप किया है और रायपुर की श्रेया अग्रवाल दूसरे स्थान पर रही और दसवीं में प्रज्ञा कश्यप 100% मुंगेली से जिन्होंने टॉप किया है। और आप रिजल्ट ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं रायपुर से, जहां छत्तीसगढ़ बोर्ड ने दसवीं और बारहवीं का रिजल्ट घोषित कर दिया है और छत्तीसगढ़ में शहरों के मुकाबले गांव के बच्चों का रिजल्ट काफी अच्छा इस बार देखा गया, जिस पर शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम ने यह भी कहा कि जो बच्चा पढ़ेगा वो टॉप करेगा। मंडल के सचिव वीके गोयल जी है और उसे हम जानेंगे। सर, रिजल्ट घोषित कर दिया, मुंगेली ने बाजी मारी है, क्या रिजल्ट रहा है? ये देखिए, तो रिजल्ट में जो बच्चा अच्छा करेगा वो आगे आएगा। दसवीं की बात करें तो क्या रहा है? दसवीं का भी अच्छा रिजल्ट रहा है और काफी पिछले वर्ष से 5.4% रिजल्ट में वृद्धि हुई है। बारहवीं के रिजल्ट में? बारहवीं के रिजल्ट पिछले वर्ष से थोड़ा सा बेहतर हुआ है ना। टॉप 10 में कितने लोग हैं इस बार दसवीं और बारहवीं? टॉप 10 में दसवीं में 42 बच्चे हैं और बारहवीं में 16 बच्चे हैं। आंकड़ा क्या गया प्रतिशत का दसवीं और बारहवीं का? ये आंकड़े अच्छे हैं। प्रतिशत गया, कितना परसेंट पास हुए हैं, कितने फेल हुए हैं, इसका कुछ आंकड़ा बताया ना? कि टेंथ में जो है गत वर्ष से 5.2% रिजल्ट बढ़ा है। गत वर्ष 68.2 था, इस बार 74.62 है। बालिकाओं के रिजल्ट की बात करें या बालकों का, तो बालिकाओं का परसेंटेज 5% ज्यादा है बालकों से, जो गत वर्ष भी था।
पहली बार ऑनलाइन व्यवस्था की थी यहाँ पे जारी करने का, तो कोविड 19 को ध्यान रखते हुए ऑनलाइन रिजल्ट जारी करने की व्यवस्था की थी। यहाँ पे सचिव महोदय भी हमारे साथ मौजूद हैं, शुक्ला जी हैं, उनसे जानते हैं सर रिजल्ट आज जारी किए हैं, प्रतिशत को लेकर क्या कहेंगे? अच्छे रिजल्ट आए हैं, सबने मेहनत करी है, बच्चों के रिजल्ट पहले से बेहतर है। उन लोगों के लिए क्या कहेंगे जो इस परीक्षा में पास नहीं हो पाए हैं और उनका प्रतिशत क्या है? उनका प्रतिशत तो बहुत कम है, पास होने वालों का प्रतिशत कहीं ज़्यादा है। और अब कभी भी परीक्षा होती है तो कोई पास होता है, कोई फेल होता है, जो नहीं सफल हो पाए हैं दोबारा मेहनत करेंगे फिर सफल होंगे, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा तो होता है जीवन में, सफलता असफलता लगी रहती। तो अभी आपने सचिवों को सुना जिनका साथ कहना है कि जिनने मेहनत किया वो उत्तीर्ण हुए, जो मेहनत आगे करे निराश ना हो, तो वही हम बात करें हाई स्कूल वर्ष 2020 में तो 73% उत्तीर्ण हुए और बालिकाओं के प्रतिशत 76.8, बालकों का प्रतिशत रहा है 70.73, और वही हायर सेकेंडरी परीक्षा की बात करें तो 78.59% परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए हैं, वही बालकों की प्रतिशत की बात करें तो 82.2 तथा बालकों की प्रतिशत 74.17। इस तरह इस बार हर दृष्टि से बालिकाओं का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है और टॉप लिस्ट की बात करें तो 10वीं और 12वीं दोनों में मुंगेली जिला से ही टॉप में रहे हैं। तो 10वीं और 12वीं का रिजल्ट जारी हो गया है। मुझे लगता है कि कई दिनों से सत्या जिसके बच्चों को उम्मीद थी कि जल्द ही 10वीं और 12वीं का रिजल्ट घोषित हो सकता है, अब वो घड़ी आ गई है और बच्चों के लिए राहत भरी खबर ये भी कह सकते हैं कि पहले के मुकाबले काफी अच्छा रहा इस बार का रिजल्ट। अभी मंत्री जी हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। जी मंत्री जी आ गए, देखिए मेरी आवाज अब तक पहुंच पा रही है सत्या? जी जी जी, और भी हमारे साथ हैं यहाँ पे पदाधिकारी, यहाँ पे हैं माध्यमिक शिक्षा मंडल के मंत्री जी अभी हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। उसके पहले यहाँ पे और हैं, उनसे बात करते हैं। सर परीक्षा को लेकर जो इस बार रिजल्ट आए हैं उसको लेकर क्या कहेंगे आप? इसमें रिजल्ट में गत वर्ष की तुलना में वृद्धि हुई है, जबकि तमाम इलेक्शंस और कोविड-19 का प्रभाव होने के बावजूद यह छत्तीसगढ़ के विद्यार्थियों ने अच्छा प्रदर्शन किया है और 10वीं में 1.69 और 12th में लगभग 4-5% की वृद्धि हुई है, उसके लिए छत्तीसगढ़ के छात्र बधाई के पात्र हैं। और मैं छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के सदस्य होने के नाते छत्तीसगढ़ के तमाम छात्रों को मैं हार्दिक बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं कि भविष्य में भी वो निरंतर प्रगति की दिशा में, पढ़ाई की दिशा में आगे वो बढ़ते हैं। इस बार शिक्षा में गुणवत्ता के लिए कुछ विशेष बजट का प्रावधान किया गया था, इसका क्या इसमें असर था? हाँ, कई प्रकार की योजनाएं सरकार ने चालू की है शिक्षा की गुणवत्ता की वृद्धि के लिए। अभी 18 करोड़ प्रथम फेस में अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों को दिया गया है, 40 अंग्रेजी माध्यम के स्कूल इस राज्य में खुले हैं और निश्चित रूप से जो छात्र जो गार्जियन जो है अंग्रेजी माध्यम में पढ़ा नहीं सकते फीस की बढ़ोतरी को देखते हुए, उनको सरकारी स्कूल में अंग्रेजी माध्यम के स्कूल जो है उनके लिए बेहद लाभदायक होगा और वो निश्चित रूप से वो प्रतियोगिता में वो अन्य जो छात्र हैं उनकी तुलना में वो गरीब छात्र जो है सामने आएंगे। इस बार सरकारी स्कूल का ही आंकड़ा बेहतर रहा है, जैसे प्राइवेट स्कूल के लिए लोगों की होड़ लगी रहती है, तो ऐसे में क्या कहेंगे? ये मानसिकता है, ऐसा है नहीं, यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर और जो स्टाफ पैटर्न पे निर्भर करता है कि किस प्रकार की पढ़ाई उस स्कूल की होगी। इसमें सरकारी और गैर सरकारी का आवश्यक मतलब नहीं है, यहाँ पर जो स्टाफ पैटर्न जो है और इंफ्रास्ट्रक्चर है वो महत्वपूर्ण है कि सुविधाएं बच्चों के लिए सरकार बहुत अच्छे से कर रही है, तो निश्चित रूप से हमारे जो प्राइवेट स्कूल के तुलना में सरकारी स्कूल आगे आएगी। इस बार जो बालिकाएं टॉप की हैं, चाहे हम 10वीं की बात करें 12वीं के कहें और प्रतिशत भी उनका उत्तीर्ण का ज्यादा रहा है, इसको लेकर निश्चित रूप से ये ट्रेंड है कि जो लड़कियों की जो शैक्षणिक गुणवत्ता है ये
गत वर्ष में भी काफी अच्छी रही है और इस समय भी लड़कियां बाजी मारी हैं और हमारी देश की लड़कियां, हमारी प्रदेश की लड़कियां निरंतर अग्रसर हो रहे हैं, इसके लिए हम हार्दिक बधाई देते हैं। क्या मंत्री जी तो ये सीधी तस्वीरें आपको राजधानी रायपुर से, जहां छत्तीसगढ़ बोर्ड ने 10वीं और 12वीं के परिणाम घोषित कर दिए हैं। इस बार फिर से लड़कियों ने लड़कों के मुकाबले बाजी मारी है और 12वीं का रिजल्ट 10वीं से बेहतर देखा जा रहा है। 10वीं में 73.62% छात्र पास हुए हैं, वहीं 12वीं की अगर बात की जाए तो 70.59% छात्र पास हुए हैं। 12वीं में मुंगेली के टीकेश वैष्णव ने टॉप किया तो वहीं रायपुर की श्रेया अग्रवाल दूसरे नंबर पर रही। और 10वीं की अगर बात की जाए तो प्रज्ञा कश्यप ने बाजी मारी है और 100% हासिल किए हैं। आपको बता दें कि प्रज्ञा कश्यप मुंगेली से हैं जिन्होंने 10वीं में टॉप किया जी, मंत्री जी इस वक्त हमारे और लगातार 2 सालों से यही देखा जा रहा है कि 10वीं के मुकाबले 12वीं वालों का रिजल्ट काफी अच्छा है। सत्य मेरी आवाज अब तक पहुंच पा रही है जी? बिल्कुल जी, जी बिल्कुल। सत्य अपनी बात पूरी कीजिए। जी अभी मंत्री जी से हम बात करने की कोशिश करेंगे, इससे पहले बता दें कि यहाँ पे जो 10वीं और 12वीं का जो रिजल्ट है महिलाओं का एक विशेष, सॉरी बालिकाओं का एक विशेष स्थान रहा है और उनके उत्तीर्ण होने की संख्या भी है। मंत्री जी हमारे साथ हैं, मंत्री जी अभी रिजल्ट जारी किए हैं, ज्यादातर लड़कियों ने पास। अभी रिजल्ट घोषित हुआ है और सभी उत्तीर्ण हुए सभी बालक बालिकाओं को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई, उनके उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूं। जो 10th में जो रिजल्ट आया है वो 73.62% इस साल का रिजल्ट रहा 10वीं का, उसमें बालिकाओं का जो परसेंट रहा 76.28 और बालकों का जो परसेंट रहा 70.53% रहा। 12वीं का जो रिजल्ट इस साल का रहा 78.59 रहा, उसमें बालिकाओं का परसेंट 82% रहा और बालकों का 74.70% उसमें रहा। तो सभी को मैं मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई और उनके उज्जवल भविष्य शुभकामना देता हूँ। इस बार प्राइवेट स्कूल की अपेक्षा सरकारी स्कूल का रिजल्ट बेहतर रहा है, इसको लेकर क्या? इस साल हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि हमारे जो सरकारी स्कूल हों वो बेहतर हो, उसके लगातार उनके लिए प्रयास किया जा रहा है और बेहतर प्रयास का ही परिणाम है कि आज हमारे सरकारी स्कूल के बच्चे भी टॉपर बने हैं। इस बार रिजल्ट में बढ़ोतरी हुई है तो शिक्षा में गुणवत्ता के लिए जो विशेष बजट का प्रावधान किया गया था, इसका कहीं ना कहीं ये असर है? बिल्कुल निश्चित रूप से जो प्रयास किए गए हैं गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई का, सारी वहाँ की व्यवस्था का इसका रिजल्ट सरकारी स्कूलों में दिख रहा है कि वहाँ के लोग भी अच्छे पास हुए हैं, टॉपर भी किए हैं। पिछले साल के रिजल्ट और इस साल के रिजल्ट में कितनी बढ़ोतरी हुई है? आपने कहा कि उसमें बढ़ोतरी हुई है। नहीं, 10वीं के जो रिजल्ट अगर देखें तो पिछले साल की अपेक्षा इस साल 5.50 का इसमें बढ़ोतरी हुआ है, जो बेहतर संकेत है कि हमारी शिक्षा व्यवस्था निरंतर आगे बढ़ रही है और उसमें गुणवत्ता का सुधार उसमें हो रहा है। मंत्री जी, ये परीक्षा में उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे जो परीक्षा पास नहीं कर पाए हैं? उनका मन हताश होता है, कई लोग गलत कदम की ओर प्रयास करते हैं। आज जो लोग उत्तीर्ण नहीं हो पाए हैं उनके लिए मेरा सुझाव है या मेरा वो है, आग्रह है कि देखिए असफलता ही सफलता की कुंजी है। जो आज असफल हुए हैं कल सफलता में उनको प्राप्त करेंगे, मेहनत करेंगे, अच्छा उनके लिए और चांस मिलेगा, तो उनको निराश होने की आवश्यकता नहीं है, बेहतर से बेहतर करने का प्रयास करें, बिल्कुल सफलता उनकी कदम चुकेगी। जो टॉप 10 में रहते हैं उनको हर साल पुरस्कृत किया जाता है, इस बार का क्या है? और जो हर साल अब जो टॉपर में आते हैं, जो टॉप करते हैं उनको पुरस्कार करने की व्यवस्था रहती है, सब हम लोग करेंगे।
जी अभी आपने मंत्री कुशीना जी ने से पूरे रिजल्ट के बाद 10वीं 12वीं के रिजल्ट के बारे में विस्तृत रूप से यहाँ पे ये बात रखी है और वहीं जो टॉपर हैं उनको बधाई भी है और जो बच्चे ये सफल नहीं हो पाए हैं उनकी सफलता की कामना की है और उनको धीरज रखने के लिए ये कहा है कि वो सफलता की कुंजी है। जी सत्य जिस तरह से देखा कि शहरों के मुकाबले गांव के जो बच्चे हैं उन्होंने ज्यादा अच्छा उनका रिजल्ट देखा गया है तो सरकार द्वारा जो योजना चलाई गई थी वो गांव-गांव और जो पिछड़े क्षेत्र थे मुझे लगता है वहां तक पहुंचने में सफल साबित हुई है। मेरी आवाज अब तक पहुंच पा रही सत्या? सत्या से हमारा संपर्क टूट गया है। तो आपको बता दें कि 10वीं और 12वीं का रिजल्ट घोषित हो गया है और सरकार ने जो योजनाएं बनाई थी गवर्नमेंट स्कूल की कहना गलत नहीं होगा कि काफी हद तक सफल साबित हुई है। प्राइवेट स्कूलों के मुकाबले गवर्नमेंट स्कूलों का रिजल्ट काफी अच्छा पाया गया है और 12वीं में 70% से ज्यादा बच्चे पास हुए हैं और रायपुर में श्रेया अग्रवाल ने बाजी मारी है तो छत्तीसगढ़ में दूसरे स्थान पर रही। 12वीं का रिजल्ट आया है और 12वीं में पहले स्थान पर मुंगेली के छात्र ने बाजी मारी। वहीं 10वीं की अगर बात की जाए तो प्रज्ञा कश्यप ने 100% अंक लाकर 10वीं में बाजी मारी है। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस।